पर दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि नागिन 6 से एक बुरी खबर आ रही है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही है कि तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 में कमबैक करने जा रही हैं, क्योंकि पहली बार ही नागिन का पार्ट बनने जा रही हैं तेजस्वी प्रकाश। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एकता कपूर ने दो नागिन को रखा है, क्योंकि इसके साथ साथ में आपने देखा होगा महक चहल भी एंट्री कर रही हैं। महक चहल की वाकई में काफ़ी दावेदारी मानी जा रही थी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तीनों स्टार कास्ट काफ़ी मजबूत हैं। तीसरे स्टार कास्ट आपके अपने सिम्बा नागपाल हैं, जो कि सिम्बा नागपाल को आपने तेजस्वी प्रकाश के साथ में देखा होगा बिग बॉस 15 में नजर आए थे। सिम्बा नागपाल की जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही थी और ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया था, भरपूर पसंद किया था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में दस्तक जो देने जा रहे हैं वो आपके अपने फेवरेट तीनों स्टार कास्ट दस्तक दे देंगे नागिन 6 में। लेकिन बुरी खबर क्या है और पूरी खबर क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय की सबसे बैड न्यूज आ रही है कि आप लोगों के बीच में महक चहल कुछ समय के बाद में इस सीरियल से अलविदा ले लेंगे और रूबीना दिलेक को शामिल किया जाएगा। दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महक चहल के लिए इस बार थोड़ा हटके आने जा रहे हैं, क्योंकि महक चहल की अगर बात की जाए तो सिम्बा नागपाल के साथ में उनकी कोई खास बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी समय से महक चहल अगर बात की जाए तो काफ़ी टेलीविज़न सीरियल में काम कर चुकी हैं, लेकिन रूबीना दिलेक जितना एक्सपीरियंस नहीं है। रूबीना दिलेक टेलीविज़न की सबसे मैन और सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस मानी जाती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महक चहल को इस बार एक नई TRP मिलने की आशंका है, क्योंकि महक चहल नागिन 6 का हिस्सा हैं। हालाँकि कुछ समय के बाद में वो नागिन 6 से अलविदा ले लेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महक चहल के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, लेकिन एकता कपूर ने जिस तरीका से रूबीना दिलेक को धोखा दिया था स्टार्टिंग में, वो वाकई में फैंस को भी काफ़ी बुरा लगा था। और बात की जाए तेजस्वी प्रकाश की, तो तेजस्वी प्रकाश का सबसे अलग लुक देखने को मिला है, जो कि ऑडियंस भी उनको काफ़ी अधिक पसंद कर रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नागिन 6 आप देख रहे हैं 12 फरवरी से आप देख सकते हैं नागिन 6। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू।